हेलो सूरज। हाँ भाई बोल। क्या बोलो। अच्छा क्या कर रहा है। अच्छा टीवी देख रहा था। नहीं, वो मेरा ना अभी फैन चालू है। अच्छा क्यों, मतलब कुछ काम था क्या? नहीं वो एक्चुअली तेरे को मेरा आवाज कैसा सुनाई दे रहा है? लाइक कैसा, बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम या फिर मीडियम, जो भी है। मीडियम मीडियम भाई, मीडियम आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी तो फोन रख, टाइम वेस्ट हो रहा है। ENC एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, ये वाला फीचर इन ईयरफोन्स पर अवेलेबल है। मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2। इस ENC को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर फैन, उसके बाद AC दोनों को एक साथ में चला दिया था ताकि एक नॉइस क्रिएट हो। और शायद आप लोगों को अभी एक रफ आइडिया मिल चुका होगा कि हाँ, अगर मैं 4,500 दे के इसको परचेस करता हूँ तो फिर क्या ये एक्चुअली में नॉइस को कैंसिल करता है कि नहीं, जो भी है। वैसे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, बकवास मत करो, काम की बातें करो। आज इस वीडियो पर मैं करने वाला हूँ मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 का इन डेप्थ रिव्यू। और हाँ, देखेंगे कि इस पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, क्या कौनस है, क्या प्रोज है, क्या प्रोज है, क्या कौनस है, एक ही है। और क्या ये अपने प्राइस के अकॉर्डिंग अपने वैल्यू को प्रोवाइड कर पाता है या फिर नहीं, वो भी देखेंगे। और अगर आप सोच रहे हो इसको परचेस करने के लिए तो फिर मत सोचो, क्योंकि मैं करने वाला हूँ इस मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 का एक गिव अवे। यस, गिव अवे, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के किसी भी एक ड्यूरेशन पे देखने को मिल जाएगा। सो देखना इस वीडियो को लास्ट तक एंड उसके साथ ही साथ 1 लाख तो बनता है बॉस, बनता है ना। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्काई यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं, इसको खोल लेते हैं। सो अनबॉक्सिंग ना करते हुए डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रोडक्ट की ओर। सो फास्ट एंड फॉरवर्ड, सो पहली दर्शन में मेरे को इसका जो आउटर लुक है वो एक्चुअली स्मार्टफोन का जो चार्जिंग वाला प्लग होता है ना, उसी के साथ सिमिलर लगा, पता नहीं क्यों। 4,500 देने के बावजूद आपको इस पे वायरलेस चार्जिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कंपनी ने इसको कवर अप करने के लिए इस पे दिया है एक फास्ट चार्जिंग का फीचर, जो कि एक प्लस पॉइंट है। वेल, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो फिर यहाँ पर जो है लाइट टर्न ऑन हो जाता है और आप सकते हो कि इसका जो ईयरफोन्स है, मेरे को थोड़ा सा बल्की लगा, पता नहीं क्यों। जब भी आप पहली बार पहनोगे, कोई भी अगर दूर से देखेगा तो फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है दिखने में। इसका जो वाला पार्ट आपके कान पर फिट होता है वो तो एप्पल के एयरपॉड्स के साथ एकदम से सिमिलर है, लेकिन यूनिकनेस देने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता नहीं एक्स्ट्रा बल्कीनेस देखने को मिलता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि कंपनी ने बैटरी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है मेरे को, ना जाने कैसा लगता है इसको देखने में। हो सकता है फ्यूचरिस्टिक डिजाइन हो, पता नहीं, ऑकवर्ड तो ऑकवर्ड ही होता है ना। लेकिन इसका एक फीचर मेरे को बहुत ही ज्यादा कूल लगा, वो ये है कि मान लीजिए कि आप इन ईयरफोन्स को किसी भी रेडमी वाले डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो फिर उस रेडमी वाले स्मार्टफोन का जो ब्लूटूथ वाला ऑप्शन है उसी को सिर्फ टर्न ऑन करके रख दो, एंड जैसे आप इन ईयरफोन्स को उस डिवाइस के सामने ओपन करते हो जस्ट, तो फिर बूम, आप देख सकते हो कि बिल्कुल एप्पल एयरपॉड्स की तरह यहाँ पर भी आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। अलाउ कर दो, उसके बाद बस हो गया कनेक्शन। वेल, कनेक्ट एक्टिविटी इसका बहुत ज्यादा सही लगा मेरे को, क्योंकि मान लीजिए कि आप रेडमी के अलावा किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर जो बटन है उसे आपको होल्ड करना है बस 2-3 सेकंड के लिए, उसके बाद इससे जो लाइट है वो बीम करने लगता है या फिर जो भी होता है, देन आप इसको मैनुअली जाके कनेक्ट कर पाओगे। सो अगर बात करो बैटरी की कि इसका जो बैटरी लाइफ है वो एक्चुअली में कैसा है, तो फिर मैंने वीडियो के पहले बोल दिया था कि इस पे कोई भी वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको कवर अप करने के लिए कंपनी ने इस पे एक फास्ट चार्जिंग का फीचर जो है ऐड कर दिया है कि 1 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, और फुल चार्ज होने के बाद आप इसको कंटिन्यूअसली जो है 4 घंटे तक यूज कर पाओगे, बार बार चार्ज करके ईयरफोन्स को केस पे रख के। केस पे जो बैटरी अवेलेबल है वो है 250 mAh का, 250 mAh का, 250 mAh, और इच ईयरफोन पे आपको 30 mAh का, 30 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। वैसे बैटरी बैकअप मेरे को इसका बहुत ज्यादा सही लगा, क्योंकि मैक्स ऑफ द जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं उन पे तो आप बहुत देर तक गाने सुन सकते हो, लेकिन जब भी बारी आते हैं कॉल पे बात करने की तो फिर बैटरी जो है वो बहुत ही तेजी से ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इन ईयरफोन्स के जरिए कॉल पे बात करते हो तो फिर आपको बहुत अच्छा खासा जो है बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, सही लगा मेरे को। एनीवेज, इस पे एयर डिटेक्शन का भी सेंसर अवेलेबल है, जिससे ये होता है कि जब भी आप कान पे लगाओगे तो फिर नोटिफिकेशन सुनने को मिलता है, उसके बाद जब भी आप ऐसे करके उतारते हो तो फिर गाना जो है वो प्ले पॉज हो जाता है ऑटोमेटिकली। और दोनों ईयरफोन्स पर ही आपको टच वाला फीचर देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड पे अगर आप डबल टैप करते हो तो फिर गूगल असिस्टेंट या फिर जो भी है टर्न ऑन हो जाता है, और राइट साइड पे अगर आप डबल टैप करते हो तो फिर कोई भी गाना अगर आप सुन रहे हो या फिर किसी वीडियो को आप देख रहे हो
वो प्ले या फिर पॉज हो जाता है। एनीवेज इस पे ब्लूटूथ 5.0 होने के वजह से, मान लीजिए कि अगर आप पिन को लगा के पबजी खेलते हो तो फिर लेटेंसी उतना ज्यादा मेरे को देखने को तो नहीं मिला, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक आप जब भी शूट करते हो बहुत ही तेजी से तो फिर आवाज जो है थोड़ा सा लाइक मिनी या फिर माइक्रो सेकेंड्स का डिफरेंस देखने को मिलता है या फिर सुनने को मिलता है, जो भी होता है। फाइनली अगर मैं बात करूं कि इनका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं बेस बहुत ही ज्यादा सही लगा मेरे को, लेकिन जो क्लियरिटी है लाइक अगर आप सॉफ्ट वाले गाने सुनते हो तो फिर मेरे को उतना ज्यादा सही नहीं लगा, पता नहीं क्यों। वैसे बेस इसका बहुत ज्यादा सही लगा मेरे को, और होने का भी रीजन है 14.2 mm का डायनेमिक ड्राइवर्स को यूज किया गया है, सो बेस तो पंची होगा ही ना। वेल कंपनी ने तो ये भी दावा किया है कि इस पे LHDC सपोर्ट करता है। अल्टीमेटली अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को एक परचेस कर लेना चाहिए, क्या मैं इसको परचेस करूं, दिखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड है, देखो 4,500 रुपए में अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो फिर आप ले सकते हो लाइक कलेक्शन के हिसाब से कि हाँ मेरे पास है ये, शो ऑफ कर सकते हो। लेकिन हाँ बैटरी सही है, ठीक है, अगर आप सिर्फ साउंड क्वालिटी के लिए लेना चाहते हो तो फिर शायद ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग सिर्फ सॉन्ग सुनते हैं सॉफ्ट गाने भी सुनते हैं वो लोग कभी कभार, सो मे बी सॉफ्ट गाने सुनते वक्त आपको ये निराशा हो सकता है कि यार ये क्या विश्वासघात तो है मेरे साथ। लेकिन अगर आप इनको लगा के बेस को सुनते हो, बेस वाले गाने लाइक, तो फिर यस डेफिनेटली गो फॉर दिस ईयरफोन्स। वेल अभी जो मेन चीज गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको बस जाना है मेरे ट्विटर अकाउंट पे, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, या फिर फर्स्ट वाला जो कमेंट होगा उस पे मैं अपना जो ट्विटर अकाउंट का लिंक है वो पिन कर दूंगा, उस पे आपको विजिट करना है, मेरे को फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद जो पहला वाला पोस्ट है पिंड पोस्ट है उसको करना है लाइक और रिट्वीट। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, रैंडमली मैं एक बंदे या फिर बंदी को मैं चूज कर लूंगा और 1 जून को विनर सिलेक्ट हो जाएगा। बस बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस, देखते हैं कि कौन जीतता है ये वाला मी ट्रू वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स 2। आप लोग यार बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो भाई को, सो इतना तो हक बनता है ना। सो यस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, एंड उसी के साथ ही साथ इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो, एंड उसी के साथ ही साथ जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, सो गुड बाय।